दोस्तों एक है यामा की MT-15 और एक है यामा की RN-5S। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है कि दोनों में हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है एंड किस बाइक के साथ में हमें जाना चाहिए। एक तरफ है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक और एक तरफ है नेकेड स्पोर्ट बाइक। दोस्तों इस वीडियो में दोनों बाइक का कंप्लीट कंपेरिजन करने वाला हूँ, दोनों में आपको क्या क्या फ़र्क देखने को मिलता है, कितना प्राइस डिफरेंसेस है, कितना माइलेज डिफरेंसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपेरिजन देखना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं यामा की MT-15 वर्सेज RN-5S की कंपेरिजन के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सकें एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ है नेकेड स्पोर्ट बाइक और एक तरफ है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक, पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। प्राइस के बारे में बात करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँगा। आपको बताना चाहूँगा ये आपको MT-15 ऑन रोड प्राइस आज की डेट में 208,000 रुपीज़, 208,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अगर बात करें RN-5S के बारे में तो RN-5S थोड़ी सस्ती है, ये आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,93,000, 1,93,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अगर आप दोनों में कंप्लीट कंपैरिजन करते हैं तो सीधे सीधे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अपनी जो MT-15 है वो RN-5 के कंपेयर में 16,000 से 17,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। जी हाँ, कितना? 16,000 से 17,000 रुपये। और आई थिंक 16,000 से 17,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट होता है। अब आप सोच रहे हो कि हमेशा फेयरिंग बाइक महंगी होती है या नेकेड स्पोर्ट बाइक महंगी है, ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले दोनों के फ्रंट के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बाइक का जो फ्रंट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले आप RN-5 देखिए। RN-5S में दोस्तों आप लोगों को फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ये DRL लाइट देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। मेन लाइट में बाइक में आपको फुली LED सेटअप में जो लाइट है वो आपको RN-5 में देखने को मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मैं आपको पास मार के दिखाता हूँ, नानी भाई है, ऑन होने के बाद इसकी लाइट ऑन होगी। बात करें MT के बारे में तो MT में आपको छोटी छोटी LED DRL लाइट देखने को मिलती है। मेन लाइट में बाइक में आपको सिंगल LED जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको MT-15 में भी देखने को मिल जाता है, तो इसका भी लुक एंड डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। फ्रंट से देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट और यहाँ पे एक डुअल LED लाइट है। दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बट आई थिंक RN-5 थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू MT-15 लाइट के कम्पेयर में, मे बी, ठीक है। चलिए बात कर ले दोनों के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों RN-5S में आपको ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, बहुत अच्छे, बहुत प्रीमियम है, बट MT के कंपेयर में नहीं है, क्योंकि MT में आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली बात है, USD फोक जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो ये पहला एडवांटेज आपको MT-15 में देखने को मिल जाता है। टायर साइज के बारे में बात करें तो दोनों में आपको फ्रंट में 180 की जो टायर साइज़ है आपको दोनों में मिलती है। बात कर ले दोनों की ब्रेकिंग के बारे में। दोस्तों ब्रेकिंग में भी दोनों बाइक सिमिलर है, दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें प्लेट साइज़ के बारे में तो प्लेट साइज़ भी सेम है, दोनों में आपको 282 282 mm के आसपास की जो प्लेट साइज़ है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब दोनों के इंजन कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों इंजन में ना दोनों बाइक सिमिलर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में आप लोगों को 155cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSU 4 वॉल्व जो इंजन है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिलता है। दोनों में आपको यामा की VV यानी कि वेरिएबल एक्वेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के, सॉरी यार, इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा अपनी जो MT-15 है वो अराउंड 18.4 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है। RN-5S 18.6 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है। RN-5S 14.2 का इंटरमिटेंट टॉर्क जनरेट करती है। MT-15 14.1 के आसपास का जो इंटरमिटेंट टॉर्क है वो जनरेट करती है। मतलब इंजन देखें ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ध्यान रखिए जब बात आती है टॉप एंड परफॉर्मेंस की तो वहाँ पे RN-5 आगे निकल जाएगी, क्योंकि एक फेयरिंग स्पोर्ट बाइक और फेयरिंग स्पोर्ट बाइक को टॉप एंड में काफ़ी अच्छा हेल्प होता है एज़ कम्पेयर टू MT-15। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको RN-5 में ज़रूर देखने को मिल जाता है।
बाकी दोस्तों दोनों में आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, सेम रेडिएटर है, यहाँ पे MT15 का रेडिएटर है, आर एन फाइव का रेडिएटर है। दोनों में आप लोगों को 6 गियर देखने को मिलते हैं, दोनों ही बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, तो इससे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है। और आपको बताना चाहूँगा दोनों ही बाइक जो है OBD2 नॉर्म्स के साथ में भी आ चुकी है, तो इसका भी एक जो एडवांटेज है वो आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि दोनों बाइक में आपको एक बहुत बेहतरीन सा जो इंजन है वो आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों के अब माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में ऐसा है कि ऑब्वियसली बात है दोनों में सेम इंजन है तो माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। दोनों में आपको 40-45 के आसपास का जो माइलेज है वो निकल कर मिल जाता है। टॉप एंड परफॉर्मेंस में R15 ज़्यादा बेटर है। ये टॉप एंड में आपको बताना चाहूँगा अराउंड 150 इजली जाती है, बट वो 140 तक जाती है, उसके बाद थोड़ा उसको विंड ब्लास्ट का जो है प्रॉब्लम हो जाता है। 0-100 में दोनों बाइक ऑलमोस्ट 11 से 12 सेकंड के आसपास के लगते हैं। अब आते हैं रियर की तरफ, दोनों की मैं आपको टेल लाइट दिखाता हूँ। दोनों की टेल लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, देख पा रहे हैं ये R15 की टेल लाइट है, बहुत अच्छी लगती है लुकिंग वाइज। यानी MT15 की टेल लाइट है, ये भी LED आती है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी जो टेल लाइट है वो यामा वालों ने प्रोवाइड की हुई है। तो रियर का जो लुक है वो देखा। चलिए बात करते हैं रियर टायर साइज़ के बारे में। तो रियर में आपको दोनों में ना सेम टायर साइज़ देखने को मिलेंगे, उसमें भी 140-70 के टायर आते हैं, इसमें भी 140-70 के टायर आते हैं। एक बहुत बड़ा मेजर आपको फ़र्क बताना भूल गया, MT15 में आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, बट R15 में आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों रियर ब्रेकिंग प्लेट में, तो रियर में आपको 230 mm के आसपास की जो 220 mm की जो ब्रेक प्लेट है वो आपको रियर में देखने को मिलती है। रियर में आपको दोनों में मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों के सीट के बारे में। दोस्तों सीट में देख पा रहे हैं जो अपनी R15S है ना, कि आप लोगों को सिंगल सीट देखने को मिलती है। R15S एंड R15 V3 में यही बस एक फ़र्क था कि सिंगल सीट के साथ में आती है, लेकिन MT15 भी ऑलरेडी सिंगल सीट के साथ में आती है, स्प्लिट सीट MT15 में भी कभी नहीं आया है। चलिए बात कर लेते हैं हम दोनों के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं R15S के स्पीडोमीटर के बारे में। इसमें वही पुराना मीटर है, सबसे पहला की देख लीजिए, इस टाइप की मिलेगी स्पीडोमीटर में। बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको R15S में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। बात करें फीचर्स के बारे में तो काफ़ी सारे फीचर हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, ये इसका टेकोमीटर है जिसे RPM मीटर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दो स्विचेज हैं, पहले आपको बताऊँगा चेंज करके, पहले आप देख लो और क्या क्या है। ये स्पीडोमीटर है, ये फ्यूल इंडिकेटर है, अब चेंज करते हैं। ट्रिप वन, ये क्लॉक है आपका, एवरेज भी है और ऑडोमीटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए R15S में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता, ठीक है, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता, ये आपको फ़र्क है। यहाँ पे लो बीम, हाई बीम पास, टर्न सिग्नल है ऑन, इंजन के लिए सेल्फ का स्विच मिलेगा। एंड अगर बात कर लेते हैं अब MT15 के बारे में, दोस्तों सबसे पहले आप की देख लीजिए, इसमें कुछ इस टाइप की आपको मिलती है, ऑलमोस्ट सेम है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में तो इसमें भी आप लोगों को फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे, R15 से ज़्यादा ही है। ये आपका टेकोमीटर है, RPM मीटर कहते हैं, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, ठीक है। ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मीटर है, एवरेज है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है इसमें, जो कि MT में नहीं मिलता, सॉरी R15 में नहीं मिलता। ऑडोमीटर है और ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाता है। ध्यान रखिए इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो कि MT में R15 में नहीं आता। लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल है ऑन, इंजन के लिए सेल्फ का जो चीज़ है आपको MT15 में भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो दोस्तों यामा की R15S वर्सेस MT15, एक तरफ है नेकेड स्पोर्ट बाइक और एक तरफ है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक। अब दोनों में आपको कौन सी लेनी चाहिए? मेरी नज़रों में तो दोनों बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर है, बट अगर आप विच फन स्टूडियो बाय बोलेंगे तो डिपेंड करता है आपकी पसंद पे। मेरी पसंद पे जाएंगे तो MT15 एक बेहतर नेकेड स्पोर्ट बाइक निकल के आती है, बट अगर आपके पास बजट कम है और आपको एक बहुत बेहतरीन फेयरिंग बाइक चाहिए तो गो फॉर R15S। बाकी आप बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। सो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।